हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली तोरी या तुरई। तो उसके लिए हमने लिए हैं तोरी, तोरी को बारीक काट लिया है, प्याज लिया है लंबे आकार में, लहसुन लिया है और टमाटर और हरी मिर्च। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूंगी मैं जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन जो कि बारीक काटा हुआ है, और इसको ब्राउन होने देंगे। जैसे ही ब्राउन होगा लहसुन, उसमें डाल देंगे हम प्याज जो कि लंबे आकार में काटे हुए हैं। आप इसमें प्याज जो है बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, पर इसमें लंबे प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आप क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं या कम रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तोरी में वैसे ज़्यादातर ज़्यादा प्याज डलते हैं। तो जैसे ये हल्के ब्राउन होंगे तो इसमें हम डाल देंगे जो बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च जो कि मैंने बीच में से काटी हुई है, 5 या 6 हैं, और इसको भी अच्छी तरह से टमाटर को प्याज के अंदर भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हींग। हींग डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। जैसे ही मसाला भून जाएगा इसके अंदर डाल देंगे हम तोरी। तोरी को अच्छी तरह से मसाले के अंदर फ्राई करेंगे। तोरी को हम अच्छी तरह से ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो इसका पानी होगा वो अच्छी तरह से, देखिए पानी कितना आ गया है, और इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तोरी के अंदर बहुत सारा पानी पहले होता है। तो देखिए इसमें कितना सारा पानी हो चुका है, और ये पानी में ही पक जाएगी तोरी, और इसको बस हमने सुखाना है, यानी कि इस पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ढक ढक कर इसको पका लिया है, और ये तोरी हमारी बनकर रेडी है। कई लोग बिल्कुल ग्रेवी वाली बनाते हैं, कई लोग बिल्कुल सूखी बनाते हैं, और कई लोग बिल्कुल तरी वाली बनाते हैं, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो हमारी तोरी बन चुकी है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यानी कि रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय।